Hey guys, what's up? Welcome back to another video shooting site. So, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी अकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं, आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है इंटरनेट कनेक्शन आप वो कैसे कर सकते हैं, सिम कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, बैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरह के बैंक रहते हैं और कौन सा बैंक बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आते ही आपको किन किन जगहों पे खुद को रजिस्टर करवाना चाहिए, बताऊंगा कि इंडिया से यूके आते वक्त आपको अपनी कैश कैसे कैरी करनी चाहिए कैसे नहीं, और क्या क्या सोर्सेज हैं उसके. सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, पहली बेसिक नीड है अकोमोडेशन. सो अकोमोडेशन के बारे में मैं खुद बहुत लकी रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कजन यहाँ पे था. सो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई अकोमोडेशन के लिए क्योंकि मैं सॉर्टेड था सब कुछ, बस मुझे आना था, उसने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से और हम घर में अपने घर पे था यहाँ पे. सो इट वॉज रियली दैट ईजी फॉर मी. बट आई अंडरस्टैंड कि जिसके पास कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ आ रहा है तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर हिम. सो अकोमोडेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आप कैसे बुक कर सकते हैं कैसे नहीं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जैसे यूनिवर्सिटी हमारी स्टार्ट हुई तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे जो पूछते थे कि कोई अकोमोडेशन होगी तो बताना, कुछ भी आस पास होगा तो बताना. सो इट वॉज लाइक दैट कि मतलब उन्हें बहुत स्ट्रेस था अकोमोडेशन का स्टार्टिंग के डेज में, जो चीज मैं लकीली मैंने फील नहीं की बिकॉज आई वॉज रियली फॉर्चुनेट इन दैट केस. सो गाइज, मैं जो सर्विस के बारे में आपको बताने वाला हूँ अकोमोडेशन के लिए, उसका नाम है एम्बर स्टूडेंट. पहले जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना, सो ठीक है, ये भी एक नॉर्मल अकोमोडेशन की कंपनी है, विच इज ओके, सो व्हाट, नॉट अ बिग डील. बट जब मैंने इनकी सर्विस थोड़ी देखी, खुद चेक करी इंटरनेट पे, सो आई वॉज रियली स्टंड. इनके जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, दे आर लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक, हंगरी, न्यूजीलैंड, जहाँ जहाँ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत सारी कंट्रीज में इनके टाइप्स हैं, वहाँ ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. सो इनके जो प्राइसेस हैं दे आर जस्ट अफोर्डेबल. अगर आप मेरा दिया हुआ लिंक यूज करके आप इनके थ्रू अगर अकोमोडेशन बुक करते हो, सो यू विल बी एलिजिबल टू गेट कैश बैक ऑफ 20 pounds. इज़न्ट दैट जस्ट अमेजिंग. सो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि आपको कैसे अकोमोडेशन बुक करनी है कैसे नहीं. सो गाइस, मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. बहुत ही बेसिक है, जैसे आप उस लिंक पे टैप करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी. जैसे ये स्क्रीन आएगी आपके सामने, आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, लोकेशन या यूनिवर्सिटी, आपको जिस भी लोकेशन में अकोमोडेशन चाहिए आपको वो लोकेशन यहाँ पे फिल आउट करनी है. और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, विद इन एन आवर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा उनकी टीम से, किसी ना किसी असिस्टेंट का. एंड अब मुझे उनका रिस्पॉन्स रेट जो है बहुत अच्छा लगा. दे विल हेल्प यू आउट विद एवरी पॉसिबल वे इन द लीगल स्टाफ, लीज अग्रीमेंट्स, एवरीथिंग, दे विल सॉर्ट यू अप विद दैट. सो गाइज, आपकी कोई भी हेडेक नहीं रहेगी इसमें, यू जस्ट हैव टू पे देम, दे विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, अकोमोडेशन के साथ बिल्स इंक्लूडेड. का किसी भी रीजन से जो है डिले हो गई है, सो यू आर 110% एलिजिबल फॉर द रिफंड. अगर आपने कुछ पे करा है, अगर नहीं करा है, सो यू डोंट हैव टू पे देम अ सिंगल पेनी. इज़न्ट दैट जस्ट अमेजिंग हाउ द थिंग्स वर्क. गाइस, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एम्बर का लिंक है, सो यू जस्ट हैव टू टैप ऑन द लिंक. आपको फॉर्म फिल करना है एंड दे विल असिस्ट यू, और दैट्स इट. इट वॉज रियली दैट सिंपल. सो यू बी सॉर्टेड विद अकोमोडेशन विद एम्बर. गाइस, मैंने उनकी अकोमोडेशन चेक करी, मैंने खुद उनसे सर्विस लेने का सोचा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो. और जैसे मैंने देखा, अकोमोडेशन वर रियली अमेजिंग. एक दो अकोमोडेशन मैंने चेक करे, मैं वो देखने भी गया खुद वहाँ जाके लोकेशन पे, एंड दे वर रियली एग्जैक्ट सिमिलर अकोमोडेशन. आपने बहुत सारी फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी देखी होंगी, बट फेसबुक मार्केट प्लेस पर क्या रहता है, फिशिंगनेस का बहुत वहाँ पे इशू है कि जो इमेज वो दिखा रहे हैं वैसा एग्जैक्ट नहीं मिलता. बहुत रेयर है आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऐसे ही देखे हैं और खुद भी एक्सपीरियंस करा है, सुना है लोगों से एक्सपीरियंस भी उसके बारे में. सो एम्बर में जैसा आपको पिक्चर दिखा रहे हैं 360 डिग्री उसमें व्यू भी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट खोल कर भी. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप उनका लिंक जो है उस पर जाओ, उस पर वो फॉर्म फिल आउट करो, और दे विल असिस्ट यू थ्रू आउट एवरीथिंग एंड यू विल बी रियली सॉर्टेड. सो दिस वॉज फॉर द अकोमोडेशन. सो गाइस, जो सेकेंड जिस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ वो है मोबाइल कार्ड. सो मोबाइल कार्ड कह लो या सिम कार्ड कह लो, यहाँ पे जो सिम कार्ड मिलती है, जैसे अपने इंडिया में क्या होता था, अगर आपको सिम चाहिए किसी भी नेटवर्क की, जियो की, रिलायंस की या एयरटेल की, सो यू हैव टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बहुत सारे कुछ फॉर्मेलिटीज लगती थी. आई डोंट नो व्हाई दे मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ इट, बट यहाँ पे सिम कार्ड लेना इज जस्ट लाइक बाइंग ग्रोसरीज. अगर आपको सिम कार्ड लेनी है, बस जाओ आप ऑफ लाइसेंस जो भी आपके नजदीक है वहां से सिम कार्ड ले लो. वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें सिम कार्ड मिल जाएगा,
जब वो VFS ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे अपना बायोमेट्रिक के लिए, दे विल बी गेटिंग सिम कार्ड्स, बट जस्ट इन केस अगर सिम कार्ड नहीं है तो उस केस में आप किसी भी ऑफ लाइसेंस जा सकते हो और वहाँ से सिम कार्ड अवेलेबल हो जाएगा बहुत ईजीली. तो अगर आपके सिम कार्ड नहीं है तो यू कैन गो टू एनी ऑफ लाइसेंस एंड यू कैन बाय सिम कार्ड. सो मैं आपको थोड़ा दिन बताता हूँ कि किस तरह से सिम कार्ड्स लगे होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से सिम कार्ड्स हैं. मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है बैंकिंग. सो बैंकिंग यहाँ पे जैसे इंडिया की थी वैसी ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट एक चीज जिसका डिफरेंस है वो है ऑनलाइन बैंकिंग. यहाँ पे दो तरह की बैंकिंग है, एक तो ऑफलाइन जैसा होता है, इंडिया में भी था हमारे HDFC, अपना SBI बैंक, उस तरह के बैंक है यहाँ पे भी. बट यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग भी है, बहुत सारे बैंकिंग एप्स हैं, आप बस फोन में अपना अकाउंट खोल सकते हो एंड यू विल बी रेडी टू यूज योर बैंक अकाउंट एनी वे यू लाइक. सो या इट इज़ रियली दैट सिंपल. मैंने खुद भी कर रखा है, मेरे पास एक मेन बैंक अकाउंट भी है और एक मेरे पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी है. सो मैंने मोन्जो में अकाउंट खोला था. यहाँ पे मोन्जो है, रेवोल्यूट है और भी बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन बैंक्स हैं. और आप एक और बैंक यूज़ कर सकते हो जो मेन बैंक्स में आ जाता है, जैसे कि लॉयड्स, हैलीफैक्स, HSBC, बार्क्लेज, आप इस तरह के भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जैसे कि आप अपना एक ऑनलाइन बैंक में अकाउंट खोल सकते हो, मोन्जो या रेवोल्ट कहीं भी आपको सही लगे, और आप एक अपना मेन बैंक में अकाउंट खोल सकते हो जो बार्क्लेज, HSBC, लॉयड्स, किसी भी इस तरह के बैंक में खोल. तो आपको आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये आपको सबसे पहले अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना चाहिए. आपको BRP कार्ड, जब आपने अपना वीजा फाइल करा था, आपने जो भी एड्रेस डाला था, आपको BRP कार्ड वहीं से मिलेगा. अगर तो आपने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डाला है तो यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड यू हैव टू कलेक्ट इट. एंड अगर आपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला है तो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा. तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरे केस में यूनिवर्सिटी से उन्होंने यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला था. तो जिस दिन हमारी इंडक्शन थी उस दिन हमें उन्होंने BRP कार्ड दे दिए थे. तो सो या दिस वॉज अबाउट द BRP कार्ड. BRP कार्ड आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे गलती से भी मिस ना करें. आप आते ही सबसे पहले अपने BRP कार्ड को कलेक्ट करें. और सेकंड चीज़ ये है NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस. आते ही आप अपने जैसे BRP कार्ड आपको मिल चुका है, अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं. जितनी जल्दी वो आता है उतनी जल्दी यू विल बी एलिजिबल टू वर्क. काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है NI नंबर. यहाँ पे कहीं भी जॉब चाहिए आपको अपने पहले NI नंबर को देना पड़ेगा, देन विल सी फर्दर कि आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए या नहीं. लास्ट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ये है कि आप इंडिया से UK कैश कैसे ला सकते हैं. हाँ, एक ये तो है ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी भी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाएँ, उसको रुपीज या एंड ही विल गिव यू पाउंड या इट वर्क्स लाइक दैट. बहुत ही आसान तरीका है ये, बट मैं आप मुझसे थोड़ा और सिक्योर तरीका पूछें तो मतलब जस्ट इन केस अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाती है सो व्हाट विल यू डू. आई मीन जब आप रुपीज लेते हो दे आर इन लाख्स, बट जब आप पाउंड लेते हो वो थाउजेंड में होंगे. तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ ही थाउजेंड रुपीज है, मैं जेब में रख लेता हूँ चले जाता हूँ, बट स्टिल आई मीन यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लाख्स. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टी करेंसी कार्ड लें. बहुत सारे बैंक्स जो हैं इंडिया के वो मल्टी करेंसी कार्ड प्रोवाइड करते हैं. मैंने खुद भी वैसे ही करा था. मल्टी करेंसी कार्ड मुझे अभी तक सेफेस्ट वे लगा वहाँ से कहीं से भी कैश ट्रैवल करके लेके आने का. वैसे आपको पता है ज़माना आजकल कैशलेस हो रहा है. सो मल्टी करेंसी कार्ड के बारे में आपको थोड़ा और बताता हूँ. जैसे मैंने HDFC से लिया था HDFC का मल्टी करेंसी कार्ड. सिर्फ UK में नहीं, इनका आप मतलब इस मल्टी करेंसी कार्ड में कितनी भी करेंसीज लोड कर सकते हो. ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, और आप धर्म भी लोड कर सकते हो इसमें. क्योंकि मुझे याद है मेरे जब आ रहा था मेरा एक हॉल था अबू धाबी में, तो मैंने धर्म लोड करे थे अपने उसमें. सो या और HDFC कार्ड का ये है मतलब आपको एक्सचेंज रेट बाकी उनके कंपेरेटिवली अच्छा नहीं मिलेगा, बट सर्विस उनकी बेस्ट है ये हर कोई जानता है. प्राइवेट बैंक का सर्विस वो बेस्ट देंगे. सो आई थिंक इन दैट केस यू शुड ऑलवेज गो विद HDFC, क्योंकि मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसके साथ. सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग. ये उनकी तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड ऐड या कुछ वैसा नहीं है. दिस इज आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस. सो यू जस्ट हैव टू गो इन द बैंक एंड सेम डे वो आपको कार्ड हैंड ओवर कर देंगे. इट्स रियली दैट सिंपल. इट्स रिक्वायर्ड कि आपके पास वीजा हो उस मेन टाइम पे. सो आई गेस आपको इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा थोड़ा कि किस तरह से चीजें वर्क करती है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक यू गाइस जो भी आ रहे हैं अभी सितंबर इनटेक में.
सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो.